और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश ब्लॉग्स। आज की मेरे इस ब्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ चिकन आलू कढ़ी बहुत ही सिंपल स्टाइल में, और ये ग्रेवी वाली कढ़ी है। और यूजुअली हम लोग ड्राई सा चिकन भी पसंद करते हैं, बट यहाँ मैं पतला ग्रेवी जो हम लोग बनाते हैं, थिन ग्रेवी रहता है उसमें, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स में ले लिया है लहसुन, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं 20 से 25 कलियाँ होंगी। साथ में 1 इंच अदरक ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ले ली मैंने। उसके अलावा टमाटर ले लिया है, 3 टमाटर मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने प्याज जो है वो काट लिया है, और इसके अलावा भी मैंने प्याज स्लाइस करके रखा है। तो यहाँ पे इस बड़े वाले प्लेट में जो प्याज है वो हम लोग फ्राई करेंगे, और जो बोल में जो प्याज है उसका हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है बाकी सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ। अब आते हैं पाउडर मसालों में। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, वो स्वाद अनुसार आप ले लें। हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा मैं इसमें ना आलू भी डालने वाली हूँ। तो मैंने 4 से 5 नॉर्मल साइज़ की, मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको फ्राई करके हम लोग ग्रेवी में ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप आलू स्किप कर सकते हैं, मेरे फैमिली को पर्सनली ये आलू वाली चिकन बहुत पसंद है तो मैं वही वाली बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ बोल में जितनी चीज़ें हैं इनका हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि पाउडर मसाले वो बाद में पड़ेंगे, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्याज फ्राई कर लेना है। और इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है चिकन। ऑफकोर्स हम लोग चिकन आलू कढ़ी बना रहे हैं, तो चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो ले लिया है, और उसके हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया था, और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने यहाँ प्याज ऐड कर दिया, और प्याज को अब अच्छे से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो मसाले हमने पेस्ट बना के रखा है हम लोग फिर वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे यूजुअली घरों में बनाया जाता है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। जब आपको ज़्यादा कुछ स्पाइसी या ज़्यादा कुछ तड़क भड़क खाने का मन ना हो, एंड चिकन भी खाने का मन हो, तो आप इस तरीके से सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है, और जो पाउडर्ड मसाले हैं मैंने वो ऐड कर दिया है। तो आप लोग इसको तब तक भून लें जब तक ये मसाले का कच्चापन जो है ये ख़त्म ना हो जाए। तो बस मसाला यहाँ भुन चुका है, तो मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया, और उसके बाद इसको हम लोग तब तक भुनेंगे जब तक चिकन अच्छा सा भुना ना जाए। और अब जाके मैंने रियलाइज़ किया था कि पैन थोड़ा छोटा है, क्योंकि मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना इस पैन में मिल नहीं पाता। तो मैंने इस पैन में बस चिकन को भुना है। अब इसको हम लोग दूसरे पैन में शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आलू जो हमने काट के रखे हैं उसको मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, सरसों का तेल। अब इसमें आलू को हम लोग नमक और हल्दी डाल के इसमें भून लेंगे अच्छे से, और जब आलू भुना जाता है उसके बाद हम लोगों को पानी ऐड कर लेना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। और एक बार हम लोग पानी ऐड कर देते हैं, उसके बाद पानी में अच्छा सा हम लोग उबाल आने देंगे, और दूसरी तरफ जो मेरा चिकन भुनाया हुआ है, एक बार जब पानी में उबाल आ जाता है उसके बाद हम लोगों को चिकन ऐड करके थोड़ा सा और उसमें बॉयल आने देना है अच्छा सा। तो बस यहाँ पे आलू काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो यहाँ पर मैं जितना रिक्वायर्ड था मुझे मैंने उतना पानी ऐड कर दिया है, और इस पानी में ना आलू भी हमारा जो है वो पक जाएगा आराम से। और जब आलू पक गया था तो मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया, और चिकन ऐड करने के बाद अच्छा से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा उबाल आने देंगे। और वंस इट इज़ डन तो फिर हम लोग इसमें धनिया की जो पत्ती मैंने चॉप करके अलग से रखी हुई है मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी, और बस ये चिकन आलू ग्रेवी बिल्कुल रेडी है टू सर्व। आप लोग इस पॉइंट पे नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छी लगती है पुलाव के साथ या नॉर्मल राइस के साथ या फिर नान के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, कभी कभी सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सिंपल से इजी पीजी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और इस तरीके से आपने कभी अगर चिकन नहीं बनाया हो, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप ऐसी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।